हेलो फ्रेंड्स, गार्डनिंग एंड मी चैनल से मैं मुक्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको मेरा वीडियो बेनिफिशियल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके ज़रिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस और आपको गार्डनिंग के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के सजेशन देना चाहती हूँ। क्योंकि जो मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी, जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो मेरे पास कुछ ही प्लांट्स थे, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स थे। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने 4-5 गमले ही रखे हुए थे। जो बड़े बड़े आप देख रहे हैं वो ही थे मेरे पास। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे गार्डनिंग में इंटरेस्ट आने लगा। इसमें वेजिटेबल्स के प्लांट्स देखेंगे, वो सारे प्लांट्स मैंने ग्रो नहीं किए हैं, वो वेस्ट वाटर से हुए हैं। वेस्ट वाटर का मतलब है जो आप दाल वॉश करते हैं, चावल वॉश करते हैं, वेजिटेबल वॉश करते हैं, और वो वाटर हम फेंक देते हैं, तो वो वाटर मैं फेंकती नहीं थी। वो वाटर मैं इन प्लांट में थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देती थी। और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद इसमें मैंने देखा, वर्क किया, तो ये कुछ बीजे उसके जो रह जाते हैं, जब हम वाटर जो सब्जियों के जो बीजे हैं वो इसमें रह गए, और वो उससे ही ये जो प्लांट है ये ग्रो हुआ है मेरा सेम का। मैं आपको ये हैंड से दिखा रही हूँ, ये छोटी छोटी ये फलियाँ ही हैं, और मुझे नहीं मालूम था कि ये सेम की फलियाँ हैं, कि सेम में बेल होती हैं। लेकिन ये पूरी तरह से, ये जो चांदनी का पेड़ देख रहे हो आप, इसमें लटक गई हैं और पूरा इसको मतलब कवर कर चुकी हैं। और ये बालकनी में जाके ये जो इसकी जो बेल है पूरी बालकनी में लटकी हुई है, और बालकनी को भी डेकोरेटिव करते हैं इस टाइप के प्लांट। तो आपको इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक बिग पॉट लेना है। वैसे आप एक ही पॉट में दो प्लांट ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स के हों, फ्रूट्स के हों, या फ्लावर प्लांट्स हो, हर टाइप के प्लांट्स। लेकिन मेन प्लांट्स के साथ साथ, जो मेन प्लांट का मतलब है, जैसे एक फ्लावर प्लांट हुआ उसके साथ एक फ्रूट्स प्लांट हुआ जो बेल वाला हो, या छोटा स्मॉल प्लांट हो, आप वो जो वाटर है, किचन वेस्ट वाटर, वो कभी मत फेंकिए, अपने प्लांट के लिए यूज़ कीजिए। क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल है प्लांट्स के लिए, और ऐसे में आप वाटर भी सेव करेंगे और नेचर भी सेव करेंगे, और आपको आपको ये बहुत अच्छा महसूस होगा, आपके प्लांट बहुत हेल्दी होंगे। मैं कभी भी अपने प्लांट्स में टैप वाटर यूज़ नहीं करती हूँ, हमेशा जो कलेक्टेड वाटर है, वाटर वेस्ट है, वो ही यूज़ करती हूँ। रात को मैं रख देती हूँ, रात का जो बचा हुआ वेस्ट वाटर है, जब हम वॉश करते हैं वो, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, वो सुबह मैं सारे पेड़ों में स्प्रेड कर देती हूँ। और ये आप ये देख रहे हैं, मेरे गुलाड़ का पेड़ है, और इसमें भी छोटी छोटी फलियाँ निकली हैं, वो भी सेम की पीछे साइड है, सेम का पेड़, और वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए आप, छोटी छोटी फलियाँ उसमें ग्रो हो चुकी हैं। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप प्लांट्स ग्रो करिए। आपको देखिए बहुत अच्छा महसूस होगा अगर आप प्लांट्स ग्रो करेंगे, और लोगों से भी ये बात शेयर कीजिए। क्योंकि आपको ज़्यादा इसमें कुछ करनी नहीं है, आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम है, लेकिन आप 4-5 प्लांट ऐसे सिलेक्ट कीजिए जो आपको फ्लावर्स देते हो। फ्लावर्स के साथ साथ कुछ ऐसे वेजिटेबल्स भी आप ग्रो कर सकते हैं, जैसे मिंट लीव हुआ, कड़ी पत्ता हुआ, और एलोवेरा जेल हुआ, धनिया हुआ, मिर्ची हुआ, इस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो आपको डेली बेस में लगते ही लगते हैं, तुलसी हुई। आपको इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको बड़े पॉट नहीं रख सकते, बड़े पॉट की स्पेस नहीं है, तो आप छोटे छोटे पॉट्स रखिए, उसमें ग्रो कीजिए। जनरली मैं अपने हैंडमेड पेस्टिसाइड बनाती हूँ और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ। ये मेरे टमाटर का पेड़ आप देख रहे होंगे, ये मैं इसको निकालने वाली थी, क्योंकि मैं इसको अनवांटेड जंगली प्लांट समझ रही थी। 2-3 दिन पहले मैं इसको निकालने वाली थी, बट इसमें जो फ्लावर आप छोटे छोटे पीले पीले देख रहे हैं वो मुझे अट्रैक्ट करे, मैंने कहा ये देखते हैं ये फ्लावर है, तो फिर मैंने इसको रहने दिया, और इसमें टमाटर ग्रो होने लगे, तो मुझे एक बहुत खुशी मिली। जब आप फ्लावर के साथ साथ वेजीज देखते हैं अपने पॉट में, तो आपको जो
खुशी का एहसास होता है, तो मैं ये तो बयां नहीं कर सकती। ये मैंने छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं ये छोटे छोटे डिस्पोजल में ग्रो किए हुए हैं, और मुझे मेरा आपसे यही सजेशन है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ग्रो कर सकते प्लांट, तो कुछ ही प्लांट ग्रो करिए और लोगों से भी शेयर करिए। इससे आपको पॉजिटिव वाइब्स के साथ साथ आपका एनवायरनमेंट के प्रति, आप नेचर के प्रति भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप दिन करके देखिए, इससे आपको सही में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप 4-5 पॉट अपने गार्डन में या बालकनी गार्डन में ग्रो कीजिए और उसका फ़र्क देखिए। आप खुद ही थोड़े दिन बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करेंगे। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद अगर आपको फर्टिलाइज़र की और पेस्टिसाइड की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। क्योंकि मैंने अभी, मेरे साथ 1 साल हो चुका है, लेकिन मैंने इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज़ किया है। जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो किए जा रहे हैं उनमें केमिकल ज़्यादा डाला जा रहा है, केमिकल के द्वारा ही फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रो किया जा रहा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ वेजिटेबल्स ऐसी ग्रो कीजिए जो आपको डेली में लगती ही लगती हैं, जैसे मिर्ची हुआ आपको लगती ही लगती है, टमाटर हुआ और कड़ी नीम हुई, एलोवेरा जेल हुआ। आप कुछ तो कुछ भी थोड़ा थोड़ा ग्रो कर सकते हैं इन गार्डन में, और आपको धीरे धीरे इन सब में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप कुछ प्लांट ग्रो कीजिए, फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप अपने फैमिली रिलेटिव्स और अदर लोगों से ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन उन सबको भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। ये जो शिमला मिर्च का आप जो पेड़ देख रहे हैं, इसमें आपको पत्तियां नहीं दिखाई देंगी, लेकिन शिमला मिर्च बहुत ही हेल्दी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इसमें ब्लैक बग ने अटैक कर दिया था और उसकी पत्तियां सारी खा गई। और लेकिन फिर मैंने पेस्टिसाइड, होममेड पेस्टिसाइड बना के उसमें छिड़काव किया, तो सारे पेस्ट तो मर गए, और लेकिन फिर भी अभी प्लांट हेल्दी है। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक नए प्लांट का इंट्रोडक्शन कराती हूँ, क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता था। पहले ये शिमला मिर्च के पेड़ में बहुत छोटा सा था, अब ये बड़ा हो गया और इसमें वाइट फ्लावर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो फ्लावर के कारण मैंने उसको निकाला नहीं, क्योंकि फ्लावर मुझे पसंद है, मैंने आपको जैसे बताया हुआ है। तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि ये किस चीज़ का प्लांट है, क्योंकि बाद में मुझे ये पता चला, मैंने नाम बताना है जल्दी से। और ये सेम प्लांट मेरे दूसरे पॉट में भी हुआ है, जिसमें तुलसी के पेड़ के साथ आपको दिखाई दे रहा होगा ये, और इसमें छोटी छोटी फलियां हैं। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये किस चीज़ का प्लांट है। और जो आप ये नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, वो मेरा मीठी नीम का पेड़ है, जो कि मैंने स्टेम से ग्रो किया है।